और मेरे भाई क्या हाल चाल है यार, आप सब एकदम होंगे फर्स्ट क्लास। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स मैंने देखे हैं कि भाई आप कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करते हो, कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर बेस्ट है। हम गेम प्ले करते हैं फ्री फायर पबजी, सो हमारे लिए कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर बेस्ट रहेगा जिसके साथ इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये नोट के हिसाब से ले लो कि भाई देखो, अगर आपका डिवाइस एंड्रॉइड 9 वर्जन है सो भाई यहाँ पर आप उम्मीद मत करना कि भाई प्ले स्टोर से कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उसमें आपको इंटरनल ऑडियो इजीली रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। एंड्रॉइड 9 में ये नहीं है, एंड्रॉइड 10 वर्जन पर आपको इजीली मिल जाता है। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन 10 है, ठीक है। सो देखो, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा डिवाइस पड़ा है और वो एंड्रॉइड 9 है, आप सिर्फ उसमें गेमिंग करते हो या फिर अपना कोई इंपॉर्टेंट काम वगैरह नहीं करते, सो किसी भी तरह से रूट वगैरह करके भाई उसे आप अपडेट कर लो एंड्रॉइड 10 वर्जन पर, उसके बाद क्या होगा कि भाई इजीली कोई सा भी आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें आपको भाई इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई देखो, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सेटिंग बताऊंगा जो मस्ट है भाई अगर आप एक क्रिएटर हो तो, क्योंकि मैं इसी सेटिंग को यूज करता हूं और ये सेटिंग बहुत ही ज्यादा मदद करता है भाई वीडियो एडिट करने में भी, ठीक है। अगर आप गेम प्ले रिकॉर्ड करते हो इन सेटिंग की मदद से, तो उसके बाद जब आप उसे एडिट करोगे, चाहे आप स्लो मोशन ले लो, कुछ भी करो, तो भाई वो बहुत स्मूथ तरीके से होगा और ये सेटिंग आपका जो वीडियो है उसका क्वालिटी खराब नहीं करेगा। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप इन सेटिंग दोनों एप्लीकेशन का देख के जाओ और अच्छे तरीके से अपना ऐप पर इन सेटिंग को इंप्लीमेंट करो, ठीक है। इससे आपका रिकॉर्डिंग का क्वालिटी एकदम जबरदस्त निकल कर आएगा। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इन दोनों एप्लीकेशन का डाउनलोड पहले से ही बहुत ज़्यादा है और इन्हें लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसका नाम है गाइस, देख सकते हो, गेम स्क्रीन रिकॉर्डर, और इसका लिंक वगैरह नहीं दे सकता भाई, आप प्ले स्टोर पर जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। दोनों का नाम आपको बता दूंगा। अब देखो, इसका सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग तो सबको ही आता है, रिकॉर्डिंग बस एक ही क्लिक करना है, रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन जो सेटिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इससे आपका एडिटिंग में भी बहुत मदद होता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है गाइस रिकॉर्डिंग इंजन का। सो इसमें क्या करना है, ये डिफॉल्ट पर रहेगा। अगर आपको लगता है कि भाई आपका डिवाइस एडवांस सपोर्ट कर सकता है, सो भाई एडवांस पर रख दो, उसमें आपका जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पर रिसोल्यूशन आप 1080p कर दो, उसके बाद FPS आप 60fps कर दो, ये तो नॉर्मल है। अब बात करते हैं यहाँ पर बिट रेट की, तो देखो यहाँ पर MBPS रहेगा 3 MBPS पर। तो देखो, अगर आप काइन मास्टर पर एडिट करते हो, मैंने पहले भी आपको बताया काइन मास्टर पर भाई बिट रेट आपको रखना है 8 से 10 MBPS के अंदर, और आप कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर पर एडिट कर लो, यहाँ पर आपको बिट रेट 8 से 10 MBPS के अंदर ही रखना है, ठीक है। इससे देखो बिट रेट से क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो भाई 8 MBPS रखना, 8 MBPS बेस्ट है। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर परमिशन की, तो भाई देखो परमिशन आपको यहाँ पर अपना सेटिंग पर जाके परमिशन एनेबल करना होगा, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। देन यहाँ पर हमारा मिलता है रिकॉर्डिंग का। सो देखो, रिकॉर्डिंग आप अपना इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर पहले से लिखा है, मेरा जो अभी डिवाइस देख रहे हो ये एंड्रॉयड 9 वर्जन है और इसमें इंटरनल रिकॉर्ड सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। सो अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 10 वर्जन है तो यहाँ पर आपको इंटरनल रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इजिली एक ही क्लिक करोगे भाई ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे मैंने आपको बता दिया, बाकी सारा ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। सो ये एप्लीकेशन जब आप यूज करोगे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करने के बाद ओवरले जो ऑप्शन है वो आप अपने सेटिंग पर जाके एनेबल करना होगा, उसके बाद आप इसी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। सो यहाँ पर क्लिक करके इसे एनेबल कर दोगे, अब उसके बाद यहाँ पर इजीली आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो फिलहाल चलते हैं हमारे सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। तो भाई देखो, इस एप्लीकेशन का नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर, और भाई एक चीज़ बता दूँ, ये जो दोनों एप्लीकेशन बताए इनका साइज़ बहुत ही कम है भाई, 5 MB के नीचे है, सो इजीली डाउनलोड कर लोगे। और इसका जो सेटिंग है गाइस, ये जो एप्लीकेशन है इसका सेटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये 3 MB के आसपास है, और भाई ये जो सेटिंग प्रोवाइड करता है बहुत ही अच्छा सेटिंग प्रोवाइड करता है, इससे आपका रिकॉर्डिंग का क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग इंजन देख सकते हो, इस पर क्लिक करने के बाद क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद भाई देखो, एडवांस पर रहेगा, अगर आपका डिवाइस अच्छा सपोर्ट कर सकता है, हाई फ्रेम रेट सपोर्ट कर सकता है आपको लगता है, तो भाई इसे अनेबल कर दो, इसमें आपका रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा, ठीक है, हाई फ्रेम रेट पर रिकॉर्ड होगा। देन मैजिक बटन, ये सारा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इसे स्किप कर दें। देन यहाँ पर देखो, चूज ऑप्शन क्या करोगे, सबसे पहला वाला ऑप्शन को ऑफ कर देना, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, नीचे देखो, अगर आपको लगता है कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज करने के बाद, मान लो आपने अपना स्क्रीन ऑफ कर दिया और अपना रिकॉर्डिंग पॉज चाहते हो, तो भाई इसे अनेबल कर देना, ठीक है, या फिर आप इसे ऑफ करके भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा मेन रिसोल्यूशन की बात। सो रिसोल्यूशन यहाँ से आप कर दोगे 1080p, यहाँ से आप देखो 16:9 रेशियो वाला कर दोगे, ठीक है,
टीपी। सो इसे रखने के बाद ये एचडी हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप बिटरेट देखो, इसमें पहले से है 8 Mbps। तो अगर आप 8 Mbps से ऊपर रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन इससे आपका साइज़ ज़्यादा लेगा, ठीक है। आपका जो रिकॉर्डिंग होगा उसका साइज़ बहुत ज़्यादा लेगा। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा बारी आता है गाइस फ्रेम रेट का, और इसमें फ्रेम रेट पे भी आप ज़्यादा रख सकते हो, 120 FPS या फिर 90 FPS तक रख सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई आपका डिवाइस सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा बारी आता है गाइस ऑडियो रिकॉर्ड करने का। सो देखो यहाँ पर मेरा एंड्रॉयड 9 वर्जन है, अगर आपका एंड्रॉयड 10 वर्जन है तो यहाँ पर ही क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन। उसके बाद आता है गाइस ऑडियो बिटरेट, सो इससे आप रख दोगे 320 kbps तक, सो एकदम मक्खन निकल कर आएगा आपका ऑडियो। देन यहाँ पर आपको मिलता है ऑडियो चैनल, अगर आप मोनो पर रखना चाहते हो या फिर स्टीरियो पर रखना चाहते हो तो भाई रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बारी आता है गाइस ऑडियो सोर्स। सो ये देखो भाई मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें भी अगर आपका एंड्रॉयड 10 वर्जन है सो यहाँ पर दो और ऑप्शन देखने को मिलता है, इंटरनल ऑडियो का भी और एक और ऐसा कुछ था पता नहीं। सो अगर आपका एंड्रॉयड 10 है तो भाई ये तो ईजिली कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड 10 नहीं है तो भाई माइक लगा के भी चला सकते हो, माइक लगा देना और आप जो भी बात करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सो ये जो दो एप्लीकेशन का मैंने सेटिंग बताया, आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज़ करो यही इसी तरह का सेटिंग रखना भाई, इसमें आपका एडिटिंग में बहुत हेल्प कर सकता है, या फिर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो तो भाई क्वालिटी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसी में आप लोग दिक्कत करते हो, उसके बाद बोलते हो कि भाई क्वालिटी ख़राब हो गया एडिटिंग में, क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। सो सेटिंग आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का अच्छा रखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही यार क्वालिटी अच्छा आएगा। ऑलराइट, तो भाई वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हो, नीचे कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना है तो भाई कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर एंड बाय।